हम सभी सदियों से ये मानते आए हैं कि जीवन यानी लाइफ सिर्फ अर्थ में संभव है, मगर पिछले कुछ सालों में साइंस इतनी डेवलप हो गई है जिसने हमारी इस धारणा को बदल कर रख दिया है। आज साइंटिस्ट मानते हैं कि अनंत फैले हुए इस यूनिवर्स में कई ऐसे प्लेनेट यानी ग्रह हो सकते हैं जहाँ जीवन संभव हो, लेकिन हमें उन ग्रहों के बारे में पता नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों को ढूंढने के नियंत्रण प्रयास में लगे हुए हैं। पर क्या होगा अगर हम कहें कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसी नहीं बल्कि सेम टू सेम पृथ्वी की ही प्रतिरूप है, जिसमें हमारी धरती के जैसा ही जल, नभ, बादल, एनिमल्स, मशीन, इंसान और आपका ही प्रतिरूप या कॉपी मौजूद है। आपको यकीन नहीं होगा मगर समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी यही है। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें यूनि शब्द का मतलब होता है एक। हम ब्रह्मांड को उतना ही बड़ा मानते हैं जितनी दूरी से आई प्रकाश को हमने देखा है, मगर क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ इतना ही बड़ा है जितना हम देख पाए हैं? इसी सवाल ने जन्म दिया मल्टीवर्स थ्योरी को, जिसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड केवल एकमात्र ब्रह्मांड नहीं है बल्कि ऐसा कई समानांतर ब्रह्मांड है। मगर ये समानांतर ब्रह्मांड आखिर है कहाँ? इस सवाल का जवाब देने के लिए साइंटिस्ट ने इसको चार लेवल में डिवाइड किया है। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति का प्रतिरूप किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में मौजूद है। आपके जीवन की हर संभावना जो सच्चाई बन सकती थी किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। अब जैसे अभी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में आप ये वीडियो को देख चुके हैं और किसी और समानांतर ब्रह्मांड में आप इस वीडियो के बारे में जानते ही नहीं, या हो सकता है किसी समानांतर ब्रह्मांड में आप अभी भी जंगल में ही रह रहे हो, या फिर क्या पता आपका जन्म ही ना हुआ हो। यानी हर एक संभावना किसी समानांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। आपका निर्णय ही आपके भविष्य का निर्धारण करता है, यानी कि आप जो डिसीजन लेते हैं आपकी लाइफ उसी के अनुसार चलने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे बचपन में आप पढ़ाई से ज्यादा खेलों में रुचि रखा करते थे, जबकि आपके पास दो ऑप्शन थे कि आप खेलों में भी अपना करियर बना सकते थे और नौकरी भी ले सकते थे, लेकिन आपने नौकरी को चुना। जबकि आप खेलों में भी अपना करियर बना सकते थे और अपने डिसीजन के कारण से आज आप नौकरी कर रहे हैं, जबकि दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आपके प्रतिरूप ने खेलों को करियर में चुना होगा। तो अब तक आपको इतना पता चल गया होगा कि समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स क्या है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पैरेलल यूनिवर्स सिर्फ एक कल्पना है या इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ भी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक तो ऐसा कोई समानांतर ब्रह्मांड को ढूंढा नहीं गया है और इंसान कभी ढूंढ भी नहीं सकता, मगर कुछ साइंटिफिक रीजन है जिससे हमारी पैरेलल यूनिवर्स होने की पूरी संभावना हो सकती है। इसको समझने के लिए एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने इसको चार लेवल में बांटा है। लेवल वन, हम अभी तक नहीं जानते कि स्पेस टाइम का आकार क्या है। एक थ्योरी के अनुसार यह फ्लैट है और इसका फैलाव अनंत है, और अगर ऐसा है तो कई ब्रह्मांड होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस बात की भी संभावना है कि हर ब्रह्मांड के कई प्रतिरूप मौजूद हो, जिसमें हमारी आकाशगंगा, हमारा सूर्य हो, हमारा पृथ्वी हो या हमारा प्रतिरूप भी मौजूद हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन कभी न कभी अपने आप को दोहराना शुरू कर ही देती है। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हम किसी दो संख्या वाले अंक को दो बार से ज्यादा लिखते हैं तो वह खुद को रिपीट कर ही दे रहा है। इसी प्रकार अगर हम तीन अंकों वाली संख्याओं को तीन से ज्यादा बार लिखते हैं तो वह फिर खुद को रिपीट करने लगती है। ऐसे ही हमारा ब्रह्मांड भी अनंत है, असीमित है, मगर इसकी भी पूरी संभावना है कि वह कहीं ना कहीं खुद को रिपीट कर रहा हो। लेकिन लेवल वन के ब्रह्मांड से हमारा मिलन इम्पॉसिबल है क्योंकि वो हमसे इतना दूर में है जहाँ तक लाइट भी नहीं पहुँच सकती। लेवल टू, समानांतर ब्रह्मांड के इस लेवल टू को जन्म दिया इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी ने। इस थ्योरी के अनुसार सभी ब्रह्मांड एक बुलबुले के अंदर है और ये आपस में जुड़कर या फिर अलग होकर एक नए ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड अलग बुलबुले की कैद में है और सभी ब्रह्मांड में फिजिक्स रूल अलग अलग होते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में भी पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड होने की पूरी संभावना है। मगर इस कंडीशन में भी हम अपने समानांतर ब्रह्मांड से नहीं मिल सकते क्योंकि सारे बुलबुले एक दूसरे से अरबों खरबों लाइट ईयर दूर है। लेवल थ्री, इस थ्योरी को जन्म दिया क्वांटम फिजिक्स ने। इस थ्योरी के अनुसार यह माना जाता है कि समानांतर ब्रह्मांड हमारी ही दुनिया में मौजूद है, मगर हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि वो दूसरे आयाम यानी दूसरे डायमेंशन में मौजूद है।
इस पर वैज्ञानिकों ने कई एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, जिनमें ये साबित हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में कई स्थानों पे हो सकते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन ने तो कई बार ये सिद्ध किया है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं तो हम भी तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं, इसलिए हमारा एक बार में कई आयामों में मौजूद होना असंभव नहीं है। लेवल 3 की समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी से हम ये भी समझ सकते हैं कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना क्यों असंभव नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले जाते हैं और वहां जाकर खुद को ही मार देते हैं, तो क्या आप जीवित बचेंगे? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि आपने भूतकाल में जिसको मारा है वो आप नहीं बल्कि आपका प्रतिरूप था। उसकी मृत्यु उस समानांतर ब्रह्मांड में हो जाएगी, मगर इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप तो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। लेवल 4 पैरेलल यूनिवर्स का लेवल 4 मैथमेटिकली डेमोक्रेसी पर आधारित है। हम इसको पहले दिए गए तीनों लेवल्स की कॉम्बाइंड फॉर्म भी कर सकते हैं। इसके अनुसार अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग गणित हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि गणित की अस्तित्व के लिए मनुष्यों का होना जरूरी है। हमने अपने फिजिक्स के थ्योरी से ये जाना कि समानांतर ब्रह्मांड होने की पूरी संभावना है, मगर अभी तक हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, मगर साइंटिस्ट इसकी सच्चाई जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट का नाम है लार्ज हार्डन कोलाइडर। इसमें माइक्रो पार्टिकल की टक्कर करवाई गई और एक ऐसा पार्टिकल का पता लगाया जो ग्रेविटी को कैरी करता है। इसको ग्रेविटेशन नाम दिया गया। ये पार्टिकल अचानक से इनविजिबल हो जाते हैं और अचानक से विजिबल। साइंटिस्ट का मानना है कि ये ग्रेविटेशन हमें दूसरे आयामों के बारे में बता सकते हैं, मगर इनको प्रोड्यूस करना और इन पर निगरानी रखना बहुत ही मुश्किल काम है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के नए नए चीजों को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।